बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस दयावान कृपाशील सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी ईश्वर के नाम से जिसकी तरफ हम सबको आखिरकार पलटना है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जमात इस्लाम हिंद की दावत पर, उसके निमंत्रण पर यहाँ तशरीफ़ लाए पधारे हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट, वी वेलकम एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू देम हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम ऑफ ईद गेट टुगेदर। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये प्रेरणा दी और ये शक्ति दी कि आज का ये कार्यक्रम हम आयोजित कर सकें। हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए जो मेहमान यहाँ हैं, हम देख रहे हैं इस हॉल में कि इस हॉल में एक वास्तविक भारत का एक नक्शा यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के धर्माचार्य यहाँ मौजूद हैं, रिलीजियस लीडर्स मौजूद हैं, यहाँ पर सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लोग और उनमें बहुत नुमाया नाम रखने वाली शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। हमारे कई देशों की एम्बेसीज़, सिफारत खानों के यहाँ नुमाइंदे और रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, उनका भी हम ख़ास तौर से इस्तकबाल करते हैं, वी वेलकम देम ऑल। इसी तरह से यहाँ मुस्लिम जमातों के लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारी ईसाई संस्थाओं की कई संस्थाओं के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे दलित अधिकारों के लिए, दलित सम्मान के लिए, मानव गरिमा के लिए काम करने वाली संस्थाएँ और उनके पदाधिकारी और साथी यहाँ मौजूद हैं। राजनीति के मैदान से भी हमारे कुछ साथी यहाँ आए हैं, उनका भी स्वागत भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आदिवासियों, पिछड़ों और वंचितों के लिए काम करने वाले, महिलाओं के अधिकारों के लिए, वीमन राइट्स के लिए काम करने वाले हमारे बहुत से भाई और बहन यहाँ इस सभा में मौजूद हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं और यहाँ आने के लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जमात इस्लामी हिंद 1948 से 71 साल की इस पूरे सफ़र में एक सामाजिक धार्मिक संगठन के रूप में आप जानते हैं, और हमारी ये रिवायत रही है कि ऐसे मौक़ों पर हम ऐसे आयोजन करें ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत हो, संवाद हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के करीब आएं और एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम पैदा करें कि अलग अलग पहचान और अलग अलग विचार रखने के बावजूद और कई मुद्दों पर अलग अलग राय और डिफरेंट ओपिनियंस रखने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान और रिस्पेक्ट करते हुए हम अपनी अपनी बातों पर, अपने विचारों पर सम्मान के साथ आचरण करने का माहौल इस देश में पैदा करें। जमात इस्लामी हिंद पूरे देश में इस तरह के ईद मिलन के कार्यक्रम बड़े शहरों में, छोटे गांवों में, महलों और बस्तियों में, अलग अलग वर्गों में इस तरह के प्रोग्राम्स और कार्यक्रम हम आयोजित इसीलिए करते हैं ताकि एक दूसरे से मिलने का और सम्मान का और एक दूसरे को जानने का और संवाद का ये माहौल पैदा हो। आइए हम इस मौके पर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आखिर में ईश्वर से इस बात की हम प्रार्थना करें कि विशेष रूप से हमारे देश में शांति कायम हो, न्याय की स्थापना हो, भाईचारा मजबूत हो, हमारा देश वास्तविक तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर बढ़े। मैंने वास्तविक शब्द खास तौर से जोड़ा है, और आपस में मानव गरिमा और मानव प्रेम, ये जो वैल्यूज़ हैं उनकी स्थापना हो, समाज में बराबरी कायम हो, एक दूसरे का सम्मान हो, कमज़ोरों, वंचितों, गरीबों और पीड़ितों के अधिकारों के लिए हम सब मिलकर काम करें, उनको सम्मान दें, आदर दें और उनको उनका न्याय और सही स्थान दिलाने की हम कोशिश करें। और मैं इसमें ये बात भी जोड़ना चाहूँगा कि हमारे कुछ ऐसे भाई जो नादान हैं, जो नासमझ हैं और जो समझते हैं कि समाज को
बांट कर या उसमें नफरत फैलाकर या एक दूसरे से अलग करके वो अपने कुछ स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर सकते हैं। वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और कोशिश करें कि उनको भी सही मार्ग ईश्वर दिखाए कि वो भी उन नेगेटिव चीज़ों से हटकर और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आएं और हमारा देश सही माने में तरक्की की राहों पर आगे बढ़े। में एक मरतबा फिर जमात इस्लामी हिंद की जानिब से तमाम भाइयों और बहनों का और तमाम अलग अलग सेक्शन से आए हुए हमारे साथियों का, ख़ास तौर से युवाओं का, नौजवानों का और हमारी बहनों का जो यहाँ मौजूद है हालांकि कम तादाद में, उन सब का भी मैं स्वागत और उनका शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमारे देश में और पूरी दुनिया में और पूरे विश्व में शांति स्थापित करे और हम मिलजुल कर इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।